Hey guys, welcome back to Super Knowledge Point. So guys, today we will start the continuous tense. What continuous tense? In the previous video, we learned about the simple tense, means indefinite tense, past simple, present simple, or future simple tense. And in this video lecture, we will learn about the continuous tense. This is the third lecture of class 9th high of the beginners of tense. जो ग्रामर की स्टार्ट जो ग्रामर इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके लिए टेंस का बेसिक है. ओके गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. सो गाइस, नाउ वी विल लेट फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एन एक्शन विच इज करेंटली गोइंग ऑन, ऐसा एक्शन जो करेंटली चल रहा, मतलब तुरंत में चल रहा हो. एन एक्शन विच इज करेंटली गोइंग ऑन. अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, लर्न कर लीजिए. सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब उसके बाद देखिए बी इज, बी में मतलब हम लोग क्या पुट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आई एम ऑन. उसमें हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आई एम ऑन, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ. मैं अभी फुटबॉल खेल रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ मैं अभी फुटबॉल खेल रहा हूँ. Okay guys, I am playing football right now. I am playing football and मतलब उसमें देखिएगा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी में हम लोग इज एम आर होता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर वर्ब के साथ आई एम जी प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए अगर हम लोग बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड वॉज स्टिल, ऐसा कोई एक्शन पास्ट में हो चुका है और अभी भी चल रहा है. ऑन अनटिल सेम अदर एक्शन ऑकर्ड. अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आई एन जी वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. अब बी में हम लोग वॉज वर्ब ऐड कर सकते हैं. अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव, मैं फुटबॉल खेल रहा था जब तुम वहाँ पहुँचे, मैं फुटबॉल खेल रहा था जब तुम वहाँ पहुँचे, व्हेन यू अराइव, मैं फुटबॉल खेल रहा था व्हेन यू अराइव, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव. तो गाइस अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. क्या करें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा. अब लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. कौन सा कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. एन एक्शन विल बिगिन इन द फ्यूचर एंड विल स्टिल गोइंग ऑन अनटिल द सम अदर एक्शन, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में करेंगे और अभी से उसका एक्शन आकर होना है. तो स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ आई एम जी प्लस ऑब्जेक्ट. अगर हम लोग एग्जांपल देखें, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल व्हेन यू अराइव. आई होप गाइस आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें. टेक केयर.